लड़की तो अच्छी है, क्या नाम है लड़की का? ओह अनन्या मिश्रा, वाह वाह मिश्रा जी, लव हो गया है आपके सुपुत्र को। न जाने कौन सी लड़की का फोटो दिखाया है, न नाक न कान न मुंह न नक्शा। हम तो बोल दिए हैं कि हमको नहीं पता, पापा से बात करो, हमको तो नहीं लगता है कि पापा मानेंगे। आप अपना देख लीजिए, अपने हिसाब से बात कर लीजिए, हमको लड़की तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे बेटा हमको कोई दिक्कत नहीं है, लड़की से क्या चाहिए हमको, बस लड़की आदर मान करे, सम्मान करे, सेवा पानी करे, अच्छा से घर संभाल के रखे, बस हो गया, उससे ज्यादा हमको क्या चाहिए बेटा। हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटा का शादी करेंगे धूमधाम से, बहू ऐसी आएगी बहू वैसी आएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा तो बेटा ही ना लायक, खैर हम क्या कर सकते। अरे अरे हमको क्या ऐतराज है बेटा, हमको कोई ऐतराज नहीं, बस तुम्हारे पापा मान जाए, बाकी सब तो हमको क्या मतलब है। हम मानते हैं कि मॉडर्न जमाना है, लेकिन फिर भी हमें अपना समाज का ख्याल रखना होता है, माँ बाप के इज्जत का ख्याल रखना होता है। अरे हम नहीं किए थे प्यार, हम भी किए थे प्यार, कास्ट अलग था, क्या कर सकते थे, अपने माँ बाप के इज्जत के वजह से अपना प्यार को त्याग दिए, अपने रिश्ते को त्याग किए, क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप के इज्जत का सवाल है, हम नहीं करेंगे प्यार, हम नहीं करेंगे प्यार, क्या कर सकते हैं आजकल के बच्चा को, नालायक निकल गया है आपका बेटा, अपने देख लीजिएगा, हम तो सोने जा रहे हैं। अरे कास्ट वास्ट का क्या है बेटा, कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, आजकल सब चलता है। हाँ देख लो बड़ी वाली बुआ जी को, भले दो आदमी थू कर रहा है, लेकिन शादी तो कर लिया दूसरा कास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कास्ट वास्ट हम नहीं मानते आजकल की दुनिया में। अरे लव करने से किसको दिक्कत है, खूब करो लव, खूब प्यार करो, लेकिन कम से कम कास्ट तो देख लो, अपना जात बिरादर तो देख लो कि कौन सा जात है, कैसा जात है।